तारा तारिणी माता शक्तिपीठ का मंदिर उड़ीसा के ब्रह्मपुर या बेरहामपुर शहर से 29 किलोमीटर दूर ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित पुण्यगिरी पर्वत पर है। मान्यताओं के अनुसार इस शक्तिपीठ स्थान पर माता सती के स्तन गिरे थे। यहाँ माँ तारा और माँ तारिणी को आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तारा तारिणी माता के इस शक्तिपीठ के विषय में खास बात यह है कि यह शक्तिपीठ उन चार प्रमुख तंत्र शक्तिपीठों में से एक माना गया है जिनको तंत्र पीठ या तंत्र विद्या के लिए विशेष माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में जिन चार प्रमुख शक्तिपीठों को तंत्र पीठ के रूप में माना जाता है उनमें ब्रह्मपुर का माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ या स्तन पीठ, दूसरा पुरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित बिमला शक्तिपीठ या पाद शक्तिपीठ, तीसरा गुवाहाटी का कामाख्या शक्तिपीठ या योनि शक्तिपीठ और कोलकाता का दक्षिण कालिका शक्तिपीठ या मुखखंड शक्तिपीठ है। इन चारों ही शक्तिपीठों को आदि शक्तिपीठ भी माना जाता है। नमस्कार, मैं अजय चौहान आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकें। शक्तिपीठों को लेकर मान्यता है कि अपने पिता दक्ष द्वारा अपमानित होकर देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद क्रोध में आकर भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और माता सती के उस शव को अपने कंधे पर उठाए ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहे। उनके वैराग्य धारण कर लेने से सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए। जहां जहां भी माता सती के शव के अंग गिरे उन सभी स्थानों पर माता सती के शक्तिपीठों की स्थापना हो गई और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव आज भी स्वयं भैरव रूप में वहां विराजते हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए ये शक्तिपीठ रूपी तीर्थस्थल अनादिकाल से अत्यंत पावन तीर्थ कहलाते हैं। माना जाता है कि इन शक्तिपीठों के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विभिन्न धर्म शास्त्रों में भी इन शक्तिपीठों के प्रभावों की महिमा बताई गई। देवी पुराण के अनुसार शक्तिपीठों की संख्या 108 है, जबकि कालिका पुराण में 26 बताई गई है। शिव चरित्र में इनकी संख्या 51 मानी गई है, जबकि दुर्गा सप्तशती और चंद्र चूड़ामणि में इन शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। और इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है तारा तारिणी शक्तिपीठ मंदिर। मंदिर में विराजित तारा तारिणी को दो बहनों तारा और तारिणी का संयुक्त रूप माना जाता है। इसमें देवी तारा को विद्या की देवी सरस्वती माना गया है, जबकि तारिणी को देवी काली का रूप माना जाता है। इसके अलावा देवी तारिणी को आदिशक्ति दुर्गा भी कहा गया है। तंत्र विद्या के कई साधक नवरात्रि के दिनों में और कुछ विशेष अवसरों पर इस स्थान पर साधनाएं करते हैं। यहाँ बौद्ध तांत्रिकों द्वारा भी तंत्र विद्या और पूजा पाठ करने के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि तारा तारिणी शक्तिपीठ मंदिर की स्थापना कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक शक्तिपीठ होने के अलावा तारा तारिणी पीठ की गणना एक तंत्र पीठ के रूप में की जाती है, इसलिए कुछ लोग इस तंत्र परंपरा को बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जोड़कर भी देखते हैं। इसके अलावा इस शक्तिपीठ मंदिर के नाम में तारा का होना भी इस धारणा को बल देता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार तारा बोधिसत्व का स्त्री रूप भी है, इसलिए यह मंदिर बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। जबकि इस इलाके में सम्राट अशोक के शिलालेखों और मंदिर में बुद्ध की छोटी सी प्रतिमा के अलावा और कोई ऐसे ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं जिनके आधार पर यह साबित होता हो कि शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित होने के पहले तारा तारिणी एक समय बौद्ध तांत्रिक पीठ रहा होगा। लेकिन स्थानीय किंवदंतियां कहती है कि तारा और तारिणी नाम की दो बहनें थी जिन्हें माता की कृपा से देवी शक्तियां प्राप्त हुई और बाद में उन्होंने इस पहाड़ी पर मंदिर की स्थापना की। मंदिर के गर्भगृह में माँ तारा और तारिणी नाम की दो देवियों की प्रतिमा है। पत्थर पर उकेरी गई दोनों ही प्राचीन मूर्तियां सोने और चांदी के आभूषणों से सज्जित हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा इन दोनों देवियों को आदि शक्ति का रूप माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की प्राचीन कलिंग शैली में बनाया गया आकर्षक मंदिर है। हालांकि मंदिर की संरचना एकदम नई है, लेकिन फिर भी इसके विषय में कुछ विशेष जानकारियां उपलब्ध नहीं है। लगभग 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने और वापसी के लिए रोपवे की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। रोपवे से मंदिर तक जाने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है और इस दौरान आप खेत खलिहान, आसपास के गांव और बगल से बहती हुई उड़ीसा की एक प्रमुख नदी ऋषिकुल्या का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए भी इस पहाड़ी पर एक सड़क है जो मंदिर तक जाती है, और अगर कोई सीढ़ियों से जाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है।
दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए तारा तारिणी मंदिर के पास ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हालांकि उड़ीसा पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ अतिथि भवन बना हुआ है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। जबकि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुर में और 35 किलोमीटर दूरी पर गोपालपुर में बजट के अनुसार हर प्रकार के यात्रियों के लिए ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के जिला गंजाम के प्रमुख शहरों में से एक ब्रह्मपुर या बेरहमपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से इस मंदिर तक की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। एक प्रमुख शहर होने के कारण यहां आने जाने के लिए ट्रेनों की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। ब्रह्मपुर या बेरहमपुर स्टेशन से टैक्सी, ऑटो और बस के द्वारा इस जगह तक पहुँचना आसान है। इसके अलावा भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और पुरी से भी यहां आने के लिए टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर में उपलब्ध है, जो यहां से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। माँ तारा तारिणी मंदिर के दर्शनों के लिए जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों में दिलचस्पी रखते हैं तो कम से कम एक बार तो ऐसे स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकें। धन्यवाद।